नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव में शत प्रतिशत परिणाम लेकर रालोद लगातार उत्साहित है और उत्तर प्रदेश में लगातार अपना संगठन मजबूत करती नजर आ रही है। और अगर हम उत्तर प्रदेश में आने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की बात कहें तो ये चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमी फाइनल मानकर ही मेहनत की जा रही है। उपचुनाव के महत्वपूर्ण मुद्दे पर रालोद के प्रदेश महासचिव रजनीकांत मिश्रा ने कहा कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस बार हम यानी भाजपा गठबंधन की पूरी 10 सीटें जीतने जा रहा है। लोकसभा चुनाव में तो जनता को बहका दिया था, पर जनता इस बार इनके झूठ में नहीं आने वाली है। आज क्या ज्वाइनिंग हुई है और ज्वाइनिंग का प्रदर्शन क्या है, किसकी ज्वाइनिंग कराई है? देखिए, ये उन्नाव के रहने वाले हैं, नम्रता शुक्ला जी, और लखनऊ में भी निवास करते हैं। ये एक समाज सेविका हैं और ये RLD से जुड़ के, चूँकि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो RLD को उन्होंने पसंद किया। कह रही थी, मेरी सोच है, मैं सभी समाज में काम करना चाहती हूँ, खासतौर से महिलाओं और बच्चों में, और उसमें किसी जाति धर्म की स्पेशलाइजेशन नहीं मेरा है, तो मैं उसमें आपका दल मुझे पसंद है। तो मैंने, हम लोगों ने आज इनको राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की। इन्होंने जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल की रीति नीतियों में विश्वास किया है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस दल में को मजबूत करने में अपना संपूर्ण योगदान सुनिश्चित करेंगे। आने वाले समय उपचुनाव का है, 27 का सेम फाइनल माना जा रहा है, क्या लगता है कितनी उम्मीद यहाँ पर होगी, क्योंकि लोकसभा परिणाम से यहाँ पर खासी निराशा बीजेपी और बीजेपी सहयोगियों को हुई है, और खासतौर पर अगर बात करें विपक्ष की तो उनको यहाँ पर संजीवनी मिली है। देखिए, दो कारण है। एक, मैं पहले ही यही कहूँगा कि काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। ये जो विपक्षी दलों ने काट की हांडी चढ़ा ली कि संविधान खतरे में आ जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये 400 सीटें क्यों मांग रहे हैं, क्यों 400 सीटों की बात कर रहे हैं, इन्होंने जनता को गुमराह किया और कुछ हद तक ये सफल रहे। लेकिन मैं पहले ही कह दिया कि काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। तो ये उपचुनाव जो है, 10 की 10 सीट NDA गठबंधन जीतने जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और ख़ासतौर से जो मिल्कीपुर है और ये सब सारी सीटें, ठीक है, हो गई। RLD कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है सहयोगी होने की? अब देखिए, मेरी तो एक सीट खाली हुई, मैं तो 10 की 10 सीट पर लड़ रहा हूँ। हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष अभी दौड़ा कर रहे हैं, 10 की 10 सीटों को मजबूती से लड़ाने के लिए RLD कमर कस लिया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में हैं, इधर झांसी बुंदेलखंड में भी गए, जितने जगह चुनाव है सारे विधानसभाओं में उनका दौरा है। अभी वो आज के दिन भी बाहर हैं और हम RLD पूरी तौर से, RLD का पूरा कार्यकर्ता, पूरा संगठन 10 की 10 टिकटों पर चुनाव लड़ रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।